हाय एवरीवन, मैं खुशबू चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल किरण प्रशिक्षण केंद्र में। आज मेरे पास ये एक पुराना हेयर बैंड है जिसके ऊपर का लेस वगैरह सब निकल गया है। आज मैं आप इसको डेकोरेट करना बताऊँगी आपको। इसके लिए मुझे मोती चाहिए, ब्लैक कलर के धागे में मैंने मोती को गुथ लिया है और एक ये रखा है, अगर मिलेगी जगह तो उसे लगा देंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। और हमें ये फेवरिक कलर चाहिए, सॉरी फेवरिक ग्लू चाहिए। ये वो ग्लू है जिसको आप कपड़े पे अपने स्टोन या कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले धागे का बीच का पॉइंट इसमें डाल दिया है, नॉट नहीं लगाया, बस ऐसे ही डाल दिया है। तो इसको पहले हम जो है राउंड कर लेंगे एक से दो बार। तो इसे हम ऐसे राउंड कर लेंगे। ये मैंने एक से दो बार राउंड कर लिया है। अब यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। तो हमको ऐसे मोती बराबर में करके इसको गुथते जाना है और इसको बराबर करते हुए गोंद से चिपकाना है ताकि ये निकले भी नहीं, चिपक भी जाए और हमारा हेयरबैंड अच्छा लगे। ये देखिए ऐसे इक्वल कर देंगे तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा हेयर बैंड कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे सिंपल रखा है, आप चाहें तो इसमें और भी कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये बटन को जो है बना के आपको दिखाया था कि आप ऐसे लगा सकते हो, फिर आप चाहो तो ऐसे दो बना के एक यहाँ और एक दूसरे साइड में भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी आप ऐसे बिल्ली वाला भी बना सकते हो या आप सिंपल ऐसे थोड़ा गुथ के और यहाँ लगा के ऐसे एक साइड में ऐसे भी बना सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे सिंपल लगाते हैं तो मैंने ऐसे बनाया है। अगर आपको वीडियो नहीं बना, आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसमें कुछ और डिज़ाइन वगैरह हम आपको बना के और दिखा सकते हैं। आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो है मेरी सारी नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। थैंक यू।